रेप करके और गाली देके और मार पीट के वो बात नहीं बनेगी। औरत की इज्जत, औरत क्या कर सकती है एक अच्छे ख़ानदान को, किस एक औरत एक ख़ानदान को जन्नत बना सकती है और एक औरत एक ख़ानदान को दोजख बना सकती है। आतंकवादी तो हर जगह है, आजकल की दुनिया में आतंकवादियों की एक वो हो गई है। इसराइल में देखिए, पैलेस्टीनियंस को देखिए। एक्चुअली जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और भूख ज़्यादा बढ़ जाती है और नफ़रत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें जो ख़राब हैं, जो सोसाइटी के लिए गलत होती हैं, जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देती, वो निकल आती है। देखिए अलीगढ़ जो है वो अलग थोड़ी है, वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। अब हर जगह वही है कि प्रॉब्लम्स है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, वो दाखिला नहीं मिल रहा है अच्छे स्कूलों में, हर तरह की प्रॉब्लम। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम होती रहेगी, तो उसकी वजह से बच्चों का दिमाग घूम जाता है। वो उन चीज़ों को देखने लेते हैं जिनको नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली ये हमारी जिम्मेदारी है, हम एज अ सोसाइटी इसको देखना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। और मारपीट की नहीं होगी ये सॉल्व, ये होगी बच्चों की ज़हनियत क्या है, बच्चा करने का चाहता है, बच्चों को हम कैसे सुधार सकें, कैसे सही रास्ते पे लाएं। वो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोसाइटी के ज़िम्मेदार कारकन हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी लें। बच्चे तो आप जिस तरह मोड़ेंगे वो मुड़ जाएंगे, मगर हमको तो अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसे मुल्क में जहाँ पे औरतें अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी में देखती हैं, क्योंकि इतने ख़राब वहाँ पे अगर ये जज्बा आए तो बहुत अच्छा है। औरतों को इसको करना चाहिए कि हाँ, हमारी पूजा कीजिए, हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के, उसको समझिए। रेप करके और गाली देके और मार पीट के वो बात नहीं बनेगी। औरत की इज्जत, औरत क्या कर सकती है एक अच्छे ख़ानदान को, किस एक औरत एक ख़ानदान को जन्नत बना सकती है और एक औरत एक ख़ानदान को दोजख बना सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए हर यूनिवर्सिटी जिसमें तरह तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, वो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। उनकी जो सोचने का तरीका है, जो उनका अपने अपनी तरह से मुल्क की तरफ जो जैसा सोचते हैं, हम उसको सिर्फ एजुकेशन से कर सकते हैं। एजुकेशन ही एक तरीका है, एक हरबा है, जैसे हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। एक्चुअली इट गोज़ बैक अ लिटल। जब ये स्कूल खुल रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा इसका नाम क्या रखें, तो एक लड़की कहने लगी चाचा नेहरू। तो मैंने कहा क्यों, कहने लगे चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो ये एक ट्रेडिशन बन गई है कि जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है उस दिन वही होना चाहिए। बच्चों को स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, तो हमने चाचा नेहरू की बर्थडे स्पोर्ट्स डे रख दिया। और उनको बताया जाता है पहले कि चाचा नेहरू कौन थे, क्या था, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है उसमें, आज़ादी की स्ट्रगल में, ये सब बताते रहते हैं उनको हम एक दिन पहले से, फिर ये करते हैं स्पोर्ट्स डे। मैं दूसरा सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं जो पूर्व छात्रों को छात्र हैं, जो आईएसआई के कनेक्शन में हैं, क्या मानती हैं ये कहाँ तक जाएगी?